beautiful. They have everything life can offer. But some... Hey, welcome back, दोस्तों, तो कैसे हैं आप? तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हॉलीवुड की चार बेहतरीन एडल्ट 18 प्लस वाली मूवीज, जिनकी स्टोरी काफी ज्यादा बेहतरीन है और स्टोरी के साथ साथ इनमें काफी सारे 18 प्लस सीन भी हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप 18 प्लस है तो ही इन मूवीज को देखिएगा। और हमेशा की तरह इन मूवीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप इन मूवीज को फ्रीली एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही बेहतरीन मूवीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही बेहतरीन मूवीज की अपडेट्स डेली दी जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे लिस्ट में जो फोर्थ नंबर पे मूवी है, उस मूवी का नाम है स्ट्रो डॉग्स। ये 2011 में 5.8 की रेटिंग के साथ है, ये एक एक्शन थ्रिलर वाली मूवी है। वहीं इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है डेविड और उसकी वाइफ एमी की, जो कि अपने चाइल्डहुड होम में रहने के लिए आते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डेविड घर को रिपेयर करने के लिए एमी के एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाता है, जिससे एमी की पास्ट लाइफ उसके सामने आ जाती है। तो दोस्तों, अब दो लोगों के बीच में अगर तीसरा आ जाता है तो क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की है और मूवी में काफी सारे 18 प्लस सीन भी है जो कि आपको करते रहेंगे। तो अब इतनी शानदार मूवी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। हमारी लिस्ट में जो थर्ड नंबर पे मूवी है, उस मूवी का नाम है वाइल्ड थिंग्स 2। ये 2004 में 4.5 की रेटिंग के साथ आई एक इरोटिक थ्रिलर वाली मूवी है। और इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है ब्रिटनी की, जिसके स्टेप फादर यानी सौतेले पिता की मौत हो जाती है और अब वो अपनी लवर माया के साथ मिलकर अपने पिता की सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन उनके प्लान पर पानी तब फिर जाता है जब उनके पिता की मौत की इन्वेस्टिगेशन होने लगती है। तो दोस्तों, अब आगे मूवी में क्या होता है, उसके पिता की हत्या किसने की, यह सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की है और अगर आप लोग को मूवी का और भी ज्यादा मजा लेना है तो इस मूवी के 18 प्लस सीन को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। हमारी लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे मूवी है, उस मूवी का नाम है दी बॉल। ये 2003 में 6.4 की रेटिंग के साथ है, एक इरोटिक थ्रिलर वाली मूवी है। मूवी की स्टोरी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस मूवी को अभी तक मैंने भी नहीं देखा है। लेकिन इस मूवी में जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो चीज आपको जरूर मिलने वाली है, तो इस मूवी को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हमारी लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर पे मूवी है, उस मूवी का नाम है दे आर प्लेइंग विद फायर। ये 1984 में 5.1 की रेटिंग के साथ आई एक इरोटिक थ्रिलर वाली मूवी है। मूवी के नाम से ही पता चल गया होगा कि मूवी आग लगा देने वाली है, और आग कहाँ लगेगी वो सब तो आपको पता ही होगा। इसी के साथ मूवी में स्टोरी दिखाई गई एक मैरिड कॉलेज प्रोफेसर की, जो की अपने एक स्टूडेंट को सीड्यूस करने लगती है। अब सीड्यूस का मतलब आप मुझसे मत पूछना, उसके लिए आप गूगल कर सकते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों के बीच में इस प्रोफेसर का हस्बैंड आ जाता है। तो दोस्तों, अब आगे मूवी में क्या धमाल है, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको डेली मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी बेहतरीन मूवीज के साथ।